बैक टू माई न्यू वीडियो गाइस। आज का इस वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करने वाला हूँ, कहीं पे अगर पोखरा कटिंग करता रहता है यानी कि छोटा सा खत्ते टाइप का कटिंग करते रहते हो, उसमें से मशीन आपको बाहर कैसे निकालना है इसके बारे में बताएंगे गाइस। बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, पर इस वीडियो को अगर आप अच्छे ढंगों से और बढ़िया से अगर देखोगे ध्यान दे करके तो आप भी निकाल सकते हो खत्ते से मशीन को बाहर। तो गाइस वीडियो में ना टाइम लगे वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को ऑन जरूर कर देना ताकि मेरा आने वाले न्यू वीडियो सबसे पहले आप पहुंचे। गाइस वीडियो में ना टाइम लगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को गाइस ध्यान से देखना, देख सकते हो कि लोडर को उल्टा करके बकेट को जैसे खोलते हैं वैसे खोल करके आगे स्टेबलाइजर किया, यानी कि मशीन हल्का ऊपर आ चुका है। जैसे ही ऊपर आ गया बूम को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल सीधा से लगा दिया है, और लगाने के बाद लोडर उठा दिया। लोडर उठाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो बूम की मदद से मशीन को धक्का दिया जा रहा है। धक्का देने के बाद गाइस देख सकते हो स्टेबलाइजर जो है लगा है, इसलिए स्टेबलाइजर लगा है कि मशीन पीछे भागे ना। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो स्टेबलाइजर उठा हुआ है, फिर बिल्कुल पूरा स्टेबलाइजर नीचे कर दिया। स्टेबलाइजर नीचे करने के बाद गाइस ऐसे ही मशीन निकाल जाता है। अब इसी वीडियो में उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे कहीं पर पोखरा अगर हल्का हल्का यानी कि मछली पालन के लिए ऐसे ऐसे जगह बनाया जाता है तो इसमें से आप कैसे मशीन निकालोगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो लोडर को जो है पूरा जो भीड़ होता है इसके ऊपर डाल दिया है लोडर को उल्टा करके। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना है गाइस। यहाँ पे देख सकते हो कि बूम लगा चुका है, उसके बाद स्टेबलाइजर उठाया। स्टेबलाइजर उठाने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो मशीन को सीधा किया। मशीन को उठाने के बाद गाइस देख सकते हो लोडर को जो है खोल रहे हैं। जैसे ही खोलेंगे यानी कि जब भी आप लोग इस प्रकार से काम करते हो आपको लोडर पर भार होना चाहिए, ठीक है, दबाव होना चाहिए तभी आपका मशीन होगा। और दोनों को एक साथ आपको बूम को और लोडर का दोनों लीवर का एक साथ प्रेस करना होता है तभी मशीन उठ के आगे जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए, बिल्कुल बारीकी तरीका से मैं अपने चैनल पे बताया हूँ और मेरा पर्सनल वीडियो है तो आप वहाँ से देख करके सीख सकते हो। इसमें मैं ऐसे ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि यह वीडियो देखने से आप लोगों को भी सीख मिल सकता है कि कैसे कहीं पर अगर थोड़ा भी ऊँचा भी मशीन चढ़ाना होता है तो आप लोग आसानी तरीका से कैसे चढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। देख सकते हो मशीन जो है ऊपर आ चुका है। जैसे ही मशीन ऊपर आ गया है हल्का और आगे गियर लगा करके आगे बढ़ा दिया, उसके बाद स्टेबलाइजर लगाया, उसके बाद बूम को उठा लिया। ठीक है, इसी प्रकार से बाहर निकाला जाता है। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बीच में मैंने शेयर किया हूँ कि कैसे छोटा सा खत्ता होता है या पोखरा मान लो, कुछ भी मान लो, उससे कैसे मशीन को बाहर निकाला जाएगा, इसके बारे में मैं फुल रिएक्शन वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मैं 110% उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर सीख के होंगे कि कैसे कहीं नीचे गड्ढे के नीचे से आप मशीन को कैसे बाहर निकाल सकते हो। इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल गया होगा तो एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा कि जो जो भाई मशीन सीख रहे हैं सभी भाई को पता चल जाएगा कि कैसे गड्ढे से या पोखरा से या पुल के नीचे से कैसे मशीन को बाहर निकाला जाएगा, इसके बारे में पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ तक अपना वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।